सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, पोर्टल मीडिया के हमारे सभी साथी, आज विशेष तौर पे आप लोगों को आनंद फानंद में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस वार्ता के लिए बुलाया गया। आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार विधानसभा का विंटर सेशन जो है, सत्र जो है, वो चल रहा है। लेकिन अति महत्वपूर्ण विषय पे आप सब लोगों को आज हम लोग याद किए हैं, और हम लोग सब लोग चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो बिहार की जनता के सामने जो है आनी चाहिए। जो मौजूदा जो सरकार है, लगातार आप लोग सुनते हैं, ना किसी को बचाती है, ना किसी को फंसाती है। आज हमारे साथ उनके दावे कितने खोखले हैं, उनके दावों की सच्चाई बताने के लिए एक हमारे पास पीड़ित परिवार पहुंचा है जो लगातार न्याय की मांग कर रहा है। आप सब लोग जानते हैं पूर्णिया में बनमक्खी जो कांड हुआ, जिसमें रिंकू सिंह जी की हत्या कर दी गई। आज उनकी पत्नी अनुलिका सिंह जी, जो जिला परिषद है, जो फिलहाल में ही चुनाव जीत करके आई हैं, और साथ में सर्वप्रिया सिंह जी हैं, जो बिट्टू सिंह जी की धर्मपत्नी रही, और उनकी भी हत्या जो है हुई थी। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप लोगों ने FIR पढ़ा नहीं होगा, अगर पढ़ा भी होगा तो ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। लगातार मुख्य आरोपी सबूत होने के बाद भी, CCTV फुटेज होने के बाद भी, आरोपी जो है खुलेआम सरेआम घूम रहा है। ये नीतीश कुमार जी का असली चेहरा है। जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, श्रीमती लेसी सिंह जी, क्योंकि काफी करीबी है नीतीश कुमार जी को, और लगातार नीतीश कुमार जी का संरक्षण उनको मिलता रहा है, इसलिए उनको छूट है कि किसी को भी उठवा लेंगे, किसी को भी गोली मरवा देंगे। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जो परिवार है, डरा हुआ है, सहमा हुआ, लगातार उस इलाकों में हत्याएं हो रही हैं राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से, और पुलिस जो है वहां की लगातार जो है दोषियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, क्योंकि पुलिस पे भारी दबाव है। अब हमारे पास FIR है, हमने FIR की कॉपी मंगवाई है, और FIR की कॉपी में बड़ा दिलचस्प बात है कि इसमें साफ तौर पर हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। एक ओरिजिनल कॉपी भी है, फोटो कॉपी, और फिर उसका अब इसमें FIR में साफ तौर पर ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या लिखा है। जो आरोपी हैं, चाहे लेसी सिंह जी ही क्यों ना हो, आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। आप समझ सकते हैं, आरोप पत्र का पर्याप्त साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है, तथा प्राथमिकी अभियुक्त लेसी सिंह के विरुद्ध अभियुक्तीकरण के बिंदु पर जांचोपरांत इनके संलिप्तता के बिंदु पर अंतिम रूप से निर्णय लिया जाना श्रेयस्कर प्रतीत होता है। अब निर्णय क्या लिया गया है, इसमें तो FIR में साफ तौर पे लिखा हुआ है ना,
के साक्ष भी है और लेसी सिंह जी के पति जो है निर्णय जो है अंतिम रूप से लिया जाना शेषकर बाकी है। क्यों नहीं लिया गया? सबूत चाहिए सरकार को। अब ये वीडियो जो है आप सब लोगों ने टेलीविजन पे आप लोगों ने दिखाया होगा। अब ये सीसीटीवी का फुटेज है, इसमें पूरी घटना कैसे हुई, कब हुई, किसने गोली मारी, हर एक चीज जो है इसमें उपलब्ध है। और जो गोली मारने वाला है वो लेसी सिंह जी का भतीजा है, जिसका नाम जो है अठिया करके है। अब भैया अठिया जी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पहले मर्डर होता था तो गोली मार करके भाग जाता था। अठिया जी जो लेसी सिंह जी के भतीजे हैं, नीतीश कुमार जी का संरक्षण प्राप्त है, तो गोली मारने के बाद वो दोबारा देखने जाते हैं कि आदमी मरा है कि नहीं मरा है। अब इतना कॉन्फिडेंस हो गया। अब ये फोटो है, सब कुछ है। आपको पता होगा रिंकू सिंह जी ने कई दिन हत्या होने से कुछ दिन पहले थाना में जाकर के उन्होंने अपील की थी कि इनकी जान को खतरा है, उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया गया, नथिंग हैपेंड। उनकी हत्या हो जाती है, आरोपी का चेहरा भी है, सब कुछ है, रिपोर्ट भी दर्ज हो जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। लगातार हम लोगों ने भी इनका वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, चीख चीख करके कहती रह गई, भाई कोई नहीं किया है, लेसी सिंह जी की है, वही करवाई, फिर भी कोई संज्ञान नहीं, कोई संज्ञान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। आखिर क्यों? कौन बचा रहा है लेसी सिंह जी को? कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? अगर इतनी ही दूध की धुली है तो आकर के सामने इनके बहस करें, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। अब बताइए, अद्भुत है ना कि आप सीसीटीवी में भी देख रहे हैं फिर भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, एफआईआर में लिखा हुआ साक्ष है लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और बिहार सरकार में वो मंत्री हैं, इसको क्या कहा जाएगा, कौन सा राज कहा जाएगा? ये तो आतंक राज हुआ। पूरे इलाके में जो है तबाही मचा के रखा हुआ है लोगों ने, और इस पे कोई जवाब नहीं देना किसी को। गृहमंत्री नीतीश कुमार जी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। अब हम तो कुछ कहेंगे नहीं इसमें, हम लोग अगर आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि विपक्ष की साजिश है। और आई है पीड़िता, आज हमसे मिलने आई है, हम सुबह मिले, विधानसभा में भी हम लोगों ने लिख के दिया तो क्वेश्चन को आने नहीं दिया गया, क्योंकि सम्मान प्रशासन और गृह विभाग का आप सवाल ही नहीं ले सकते। लगातार दो सत्र से ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी के डिपार्टमेंट का, सम्मान प्रशासन और गृह विभाग का आप विधानसभा में सवाल नहीं पूछ सकते। क्यों नहीं पूछ सकते भाई? महत्वपूर्ण विषय है, इसको तो विषय में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब नहीं है सरकार के पास, कैसे बोलेगी कि हम बचा रहे हैं? इसलिए साजिश के चलते, चाहे शराबबंदी हो या ये मामले हो या अनेकों हत्या लूट अपहरण बलात्कार के मामले हो, और सेम तरीका देखिए अभी भी सरकार नहीं सुधरी है,
सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा बालिका गृह कांड में। अभी भी सृजन घोटाला हुआ या आपका बालिका गृह कांड हुआ, अभी भी सरकार ने सबक नहीं लिया। उस समय भी बहाना नाना कुसूर कर रही थी, इस मामले में भी नाना कुसूर कर दिए। इसमें तो अविलंब नीतीश कुमार जी को हटाना चाहिए था, लेसी सिंह जी को गिरफ्तार करना चाहिए था। अरे लेसी सिंह के भतीजे की गिरफ्तारी नहीं, जिसने गोली मारी, और दोबारा जाके देख रहा है सीसीटीवी फुटेज है। और हमने तो मांग भी की थी सीडीआर की रिपोर्ट निकाल दीजिए, हम तो चुनौती भी दिए थे, सारा एक रिपोर्ट निकाल दीजिएगा कॉल रिकॉर्ड, उसी में सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाते हैं आप लोगों को, पढ़ के सुनाते हैं। ये दिनांक 7/11/2020 का है, सोनू सिंह जी का, बेनी सिंह जी का। इसमें साफ तौर पे है, निवेदन है कि मैं अभिषेक कुमार उर्फ सोनू सिंह, पिता स्वर्गीय पंकज सिंह, साकिन सरसी थाना, जिला पूर्णिया का स्थायी निवासी, आज दिनांक 7/11/20 को प्रातः 10 बजे लगभग अपने निजी आवास से मैं और मेरा बड़ा भाई बेनी सिंह मतदान केंद्र की ओर जा रहे थे कि इसी क्रम में लेसी सिंह हम दोनों को देखकर गाड़ी रोककर धमकाते हुए बोली, सुनिए, जिन दोनों की मृत्यु हो गई है, हत्या हो गई है, वो दोनों पुलिस में प्राथमिकी दर्ज किए हैं। लेसी सिंह जी गाड़ी रोक करके बोली हैं धमकाते हुए कि लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा, लालटेन छाप का बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत महंगा पड़ेगा, और चुनाव खत्म होने से पहले घर पर चढ़कर मरवा दे। ये साफ तौर पर सही में मरवा दी दोनों विद्वान। नहीं, इनके देवर हुए सोनू सिंह जी की विधवा, यहां बिट्टू सिंह जी की भी हत्या हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो दोनों कंप्लेन कर रहे थे, सोनू सिंह जी और बिट्टू जी, तो आप क्या मतलब आप समझे। उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ये अभी से नहीं, लगातार चुनाव के समय से ये लेसी सिंह जी बार बार ये कहती हैं कि चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव से लेना देना नहीं है, चुनाव में 4 साल अभी दूरी है। अरे भैया, आप लगातार धमका रहे चुनाव के समय से, और लगातार जो है सरकार जो है दोषियों को बचा रही है। अब इससे बड़ा मामला, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। जो इस दुनिया में नहीं है वो कंप्लेन करते हुए चले गए, जान चली गई, अब इससे बड़ा सबूत और क्या रह गया। लेकिन अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो बड़ा अब इससे ज्यादा अन्याय कहां मिलेगा। अब आप देख लीजिए नीतीश कुमार जी का असली चेहरा। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। कोई सवाल है तो बताइए। अभी इस, अरे आप लोग एक विषय पे सुनिए ना, विषय अभी क्या हो रहा है। हम लोग तो सदन में भी उठाना चाहते, लेकिन सदन में आप गृह विभाग का सामान प्रशासन का नहीं उठा सकते। और लगातार जब घटना हुई हमने उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अब सबूत दे दिया कि आप क्या करें, मतलब हमारे पास हथकड़ी लगाने का पावर तो है नहीं, या मेरे दस्तखत से, या हम हथकड़ी जा करके लगा दें या उठा के घर से ले जाके थाना में बंद कर दें। ये काम जिसका है वही ना करेगा।
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, खुलेआम घूम रहे, अभी भी धमकी मिल रहा है इन लोगों को, और इतने हत्याएं हो जाने के बाद भी अब तक इनके परिवार को भी जो है सुरक्षा नहीं मिली, कल को इनकी हत्या हो जाएगी, क्योंकि बिहार में अपराध है बढ़ा हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार है। तो हम लोग जो है लगातार पुलिस विभाग से भी और सब लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि परिवार को न्याय दिलाए, सुरक्षा दिलाए, अविलंब। इसको लेकर के हम डीजीपी साहब को भी हम लोग पत्र लिखेंगे, ये सारा जो एफआईआर का कॉपी है सारा लगाते हुए, और सीसी नीतीश कुमार जी को भी कर देंगे। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें तो खुद संज्ञान लेना चाहिए था ना, किसी मंत्री पे अगर आरोप लग रहा है तो खुद सरकार की नैतिक जिम्मेवारी थी कि भाई खुद जो है हम संज्ञान लें, लेकिन कुछ नहीं किया गया। क्यों बचा रहे हैं पुलिस का प्रेशर है क्या? ये और क्या है, आप क्या कह सकते हैं, अब क्या रिश्ता है हम तो नहीं जानते, क्यों बचा रहे हैं इसका जवाब तो नीतीश कुमार जी ही देंगे, पुलिस प्रशासन ही देंगे। अब इस पे हमको तो कुछ कहना ही नहीं है, लगातार बचाया जाए, इसीलिए ना भाई हमने साफ तौर पे कहा कि आतंक राज है, यहां जो टीटीएम करेगा, जो फायदा पहुंचाएगा, जो आरसीपी टैक्स देगा, उसी की सुनवाई होती है, जो ईमानदार है, जो सच बोलेगा, उस पे झूठा कार्रवाई होता, यही असलियत है बिहार की। अब डीजीपी जो है बताइए, हम लोग घूम लिए, मीडिया घूम लिया, हम लोग घूम लिए, सत्र शुरू होने से पहले डॉग स्क्वाड जाता है, पूरा कैंपस का तलाशी लेता है, बोतल मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी मीडिया में चल रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहा, जान सब रहे हैं कि मिला है, लेकिन सब अनजान बने हुए। क्यों अनजान बने हुए? मामले को दबाओ, यही है, मामले को दबाओ भाई, खत्म करो। और कोई फेवरेट डायलॉग है क्या उन्हें? हाँ, ये बोल करके मोगैम्बो खुश हो जाते हैं, और क्या कहिएगा इसमें। अब इस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग जो हैं इन महिलाओं को न्याय दिलाने में हम लोग तो लड़ ही रहे हैं, आपकी आवाज को उठा रहे हैं, अब आप लोगों पर है, आप लोग क्या करते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।